रोड डैमेज है, रिपेयर चल रहा है, और फिर यहाँ गाड़ियों की कतार देखना। देखो मज़ा तो आता है इस रोड पे बाइक चलाने में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका अपने चैनल वंडरर विक्की पे एक बार फिर से। और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, और ये अभी हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, नाइट का टाइम है। आज कंपैरिजन टू डेली आज थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज़्यादा दिख रहा है, तो अभी अपन एक्सप्लोर करेंगे कैसा व्यू है नाइट का। आज तो कुछ जगह ऐसा है कि लाइट्स भी नहीं जल रही एक्सप्रेसवे पे, और लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक्सप्रेसवे पे कई जगह ऐसा हो गया है कि वहाँ के रोड्स टूटने भी लगे हैं। मीनवाइल बहुत वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, ऐसे होने नहीं चाहिए थे बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, डोंट नो। बट कुछ एक दो पैचेज आपको मिल जाएंगे, और ट्रैफिक का तो पूछो ही मत। और अभी आगे देखो एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में वाइन शॉप, और गुड़गांव इज फेमस फॉर इट्स वाइन शॉप, क्या ही ज़बरदस्त बनाते हैं। और फिर यहाँ गाड़ियों की कतार देखना, जो भी आता है भाई साहब मैक्सिमम पब्लिक यहीं रुकती है। थोड़ा यार रिस्की है, थोड़ा क्या ऑब्वियसली सेफ नहीं है, ड्रिंक एंड ड्राइव एंड अदर थिंग्स हम लोग करते हैं, नहीं करते डोंट नो, बट नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है ये। स्टे सेफ, क्योंकि अब अपन फैमिली वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपके एक छोटे से मिस्टेक में किसी और को प्रॉब्लम हो जाए तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी और उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये आ गए अगेन ओकस मेडली, यार मेरे को तो बड़ी अच्छी शानदार बिल्डिंग लगती है ये, बट भाई क्या ही बोलूँ आज ट्रैफिक मतलब पैक चल रहा है नेक टू नेक। नॉर्मली ऐसे गुड़गांव वाले मेन रोड पे दिखता है, बट अब लग रहा है उधर से सारी जनता धीरे धीरे करके ना एक्सप्रेसवे की तरफ डाइवर्ट हो रही है, और अगर ऐसा रहा तो इधर भी रस दबा के रहेगा और मज़ा नहीं आएगा फिर इस पे। एनीवे देखते हैं आगे कैसा रहता है। यार देखो मज़ा तो आता है इस रोड पे बाइक चलाने में, बट थोड़ा इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगेगी ना तो इसका भी मज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग वैसे ही ट्रैफिक में फंसते हुए इधर से भी निकलेंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज रेड लाइट नहीं मिलेगा यहाँ पे, ट्रैफिक कंटिन्यूस मूव करती है, जिसको जहाँ डाइवर्ट होना होता है उसके लिए फ्लाईओवर दे रखा है नीचे से, जिसको टर्न लेना है आराम से चला जाए, तो ट्रैफिक यहाँ मूविंग रहेगी। तो ये देख लो अब हम पहुंचने वाले हैं टोल प्लाजा के पास, लेकिन यहाँ जब आप रोड की कंडीशन देखोगे ना बहुत ही वर्स्ट हो रखी है, वर्स्ट इन द सेंस ये देख लो आगे ही रोड डैमेज है, रिपेयर चल रहा है। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है इस बिल्डिंग की, भाई साहब इसकी वजह से क्या ही धूल और मिट्टी, अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो ये जो 1 किलोमीटर का पैच होता है ना इतनी ज़्यादा स्लिपरी और हाई रिस्क पूछो ही मत। नोबडी इज़ हेयर देखने वाला इस रोड को मेंटेन करने वाला, रिस्क में रहो और वैसे ही जाओ, थिंग्स नीड टू बी मॉनिटर्ड। हमने इतना इन्वेस्ट किया ये सारी चीज़ें बना दी, बट किसी और की वजह से ये चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं, तो ये थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट अपन पहुंच चुके हैं टोल पे, अभी एक्चुअली टोल स्टार्ट नहीं है, MCD बस स्टार्ट है, तो MCD तो बेसिकली टैक्सी के लिए है, अपन आराम से निकलेंगे। ये अब बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन बन रहा है अपना टोल का, अब देखते हैं जब टोल स्टार्ट होता है तो होगा किसके लिए, एज ऑफ नाउ ऐसा समझ तो नहीं आता, बट लेट्स सी।
क्या चल रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए दिन में नई वीडियो के साथ, तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाबा सायोनारा।